देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बड़े आपत्तिजनक सीन्स हैं, और इस वायरल वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, और हम भी जानना चाहते हैं कि ये सत्य है या ऐसे ही इसे किसी ने वायरल कर दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के वो कैबिनेट के सदस्य हैं, तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि अपने कैबिनेट के सदस्य के बारे में जो एक बहुत तेजी से वायरल वीडियो हो रहा है उसकी सत्यता की अविलंब जांच कराएं और ये पुष्टि करें कि वो सत्य वीडियो है या असत्य वीडियो है। अगर वो वीडियो सत्य है तो हमारे पास शब्द नहीं है, मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री का, लेकिन असत्य है तो उसका भी खंडन सरकार को तुरंत करना चाहिए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री के चेहरे को या उनके कार्य को बदनाम करने का यह एक षड्यंत्र भी हो सकता है। माननीय मंत्री ने भी कल जमशेदपुर में FIR दर्ज करवाई है, पहले सत्यता की जांच हो जाए फिर आगे देखा जाएगा। एक छवि लगता तो है राकेश जी की विपक्ष की कोई साजिश है अपने जब जैसे कह रहे छवि तो कांग्रेस की खराब हो रही है ना। देखिए, छवि कांग्रेस की खराब नहीं हो रही, आप लाख एडिट करके कांग्रेस के छवि को बर्बाद करने का प्रयास करो, लेकिन छवि भारतीय जनता पार्टी की खराब हुई है। हथरस में जो घटना घटी कि कैसे भाजपा के विधायक के द्वारा बलात्कार किया गया और बेटियों को जिंदा जला दिया गया, उनके माँ बाप को भी उस लाश को सुपुर्द नहीं किया गया, तो छवि उनकी खराब होती है। आप हमारे ऊपर लाख इल्जाम लगा लो, एडिट कर लो, छवि खराब नहीं होगी क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और समझती है। बोला आपने, और ऐसा प्रसंग मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है, हम लोगों ने 3 साल पहले देखा था विधानसभा चुनाव के पहले। बोकारो के तत्कालिक विधायक अभी भी विधायक हैं वीरेंची नारायण जी माननीय, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद भी फिर उनको टिकट दिया गया, फिर जीत के वो आ गए। खैर छोड़िए, अभी जो मौजूदा प्रकरण है बहुत ही दुर्भाग्यजनक, शर्मनाक, जितनी निंदा की जाए कम, लेकिन स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि मंत्री महोदय हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं। और अभी बहुत सारे मामले हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, समाचारों में देखते हैं, सेक्सटॉर्शन का, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसी तरह का मामला दिखता है। और जो भी आज ये दृश्य सामने आया, वायरल हुआ, सबसे बड़ी बात है कि जो वायरल करने वाले हैं, जो सबसे पहले खबरों में इस वीडियो को लाया, वो एक बड़बोले सांसद हैं। सांसद महोदय के पास ये वीडियो कैसे पहुंचता है, उनकी क्या भूमिका है, ये सब भी जांच करने का विषय है। FIR हुआ है, मुझे लगता है अनुसंधान होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। टफन XT600 HCR TNT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।